गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन कर रहे थे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट आपके 11th के केमिस्ट्री का। उसमें पांच क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, अब ये नेक्स्ट पांच क्वेश्चन हम लोग करते जा रहे हैं। रोज पांच पांच क्वेश्चन अपलोड करेंगे, आप लोग 5 मिनट समय निकाल के उसको देखिए। एनसीईआरटी से इस बार सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे और उसमें भी एग्जाम्पलर से। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 6th क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड इज 0.9 ग्राम पर लीटर, व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। देखिए आपको क्या करना है, मोलरिटी पूछ रहा है। आपको पता है मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल पर लीटर। ये वॉल्यूम क्या होता है, लीटर में, और मोल किसका होता है, सॉल्यूट का। आप इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, WB बाई MB V इंटू 1000। 1000 क्यों, मैक्सिमम लीटर में ना देके ML में देता है, हम 1000 से डिवाइड करेंगे वो ऊपर चला जाएगा। ओके आइए अब जरा देखें क्वेश्चन में इसमें से कुछ दिया है क्या, नहीं। क्वेश्चन में दे रहा है कंसंट्रेशन, अब यहां यूनिट का खेल है। आप जरा देखिए कंसंट्रेशन किसमें दिया है, 0.9 ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर यानी डेंसिटी। ओके ये आपको दे दिया है ग्राम पर लीटर, डेंसिटी दे दिया है, ठीक है कोई बात नहीं। हम लोग क्या करते हैं, ग्राम पर लीटर, ये ग्राम है ना W और ये लीटर है, मैं इन दोनों को ले लेता हूं, ये जो है 1000 फिर इसी में आ जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, ये W बाई V, इसको क्या लिख सकता हूं, डेंसिटी, और नीचे क्या लिख दूंगा, MB। अब आइए देखिए डेंसिटी कितना दिया है, 0.9, और MB कितना है, MB है क्या ग्लूकोज, ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है, 180। तो ये हो जाएगा 2001/200। तो 1/200 होगा हमारा आंसर, यानी इसमें होगा सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 7th क्वेश्चन, व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 18.25 ग्राम ऑफ HCl इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। ओके देखिए अब वहां क्या था, अभी मोलरिटी, और यहां क्या है, मोलेलिटी। मोलेलिटी क्या होता है बच्चों, ये होता है WB MB WA और 1000, मतलब वो क्या था, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और ये क्या होता है, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो ये सॉल्वेंट है, ये मतलब सॉल्वेंट। अब आपको देखिए मोलेलिटी निकालना है, WB कितना दिया हुआ है, 18.25 ओके ग्राम। मोलर मास HCl का कितना होगा, 35 और 1 36.5 है ना, और WA दिया है क्या, यस वाटर दिया है 500, और ऊपर क्या करेंगे 1000, बस इसको कैंसिल कर देना है, सिंपल है। ये देखिए ये 2 times और ये 2 times, अरे वाह ये तो बहुत ही आसान है, 2 कैंसिल, आंसर आ गया 1, और 1 कोई आंसर है क्या, हाँ दो आंसर है 1, लेकिन यहां दिया है कैपिटल M। कैपिटल M क्या होता है, मोलरिटी, और स्मॉल M होता है मोलेलिटी, सो D विल बी राइट आंसर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 mole ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन 6.022 × 10^23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ 0.02 मोलर H2SO4 इज। देखिए यहां भी क्या आपसे कह रहा है, यहां भी मोलरिटी की बात कर रहा है, कैसे पता, ये कैपिटल M देख के आप समझ जाएंगे मोलरिटी की बात कर रहा है। तो अभी हम लोगों ने लिखा भी था मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, WB MB V 1000 ओके। अब आइए WB दिया हुआ है क्या, पहले क्या क्या दिया है, मोलरिटी तो दिख रहा है, मैं लिख दूं क्या, लिख दे रहा हूं 0.2 मोलरिटी लिख दिया, 1 mole, और क्या दिया हुआ, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, चलिए वो बाद में सोचेंगे मोलिक्यूल्स, H2SO4 100 ml। तो इसको मैं पुराना वाला जो फॉर्मूला था ना बच्चों, मैं उसी से कर रहा हूं है ना, मैं इसको WB बाई MB को क्या लिखूंगा, मोल ही रहने दूंगा, क्योंकि मोल ही निकालने की बात कर रहा है। अब आप कहेंगे मोल तो नहीं कर रहा है, कह तो रहा है नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, लेकिन मोल निकालेंगे तभी तो मोलिक्यूल्स निकालेंगे ना। तो अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहां हो गया 0.02,
यहाँ एन बी निकालना है ना, और वॉल्यूम दिया है कितना 100, और यहाँ क्या दिया है 1000, तो 20 से 20 कैंसिल, और ये सॉरी ये इधर आएगा तो एन बी क्या हो जाएगा 002, क्या हो जाएगा 002, तो इतना आ गया। अब आपसे कह रहा है मॉलिक्यूल, कोई बात नहीं, मोल को मॉलिक्यूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप जो मोल दिया है ना मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 × 10^23 है ना, तो ये आ गया, और आपका आंसर कितना आएगा ये देखिए, ये 2 से मल्टीप्लाई करना है 440, और ये हो जाएगा 12 होगा, और 1 2 3 4 5 6, तो 10^20 ना बच्चों, यस। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? हाँ, पहला ही ऑप्शन है, और यही ऑप्शन हमारा सही है। ये भी वही बना लिखने की कोशिश किया है, लेकिन आप देख रहे हैं 20 होगा। चलिए, ये था 8th क्वेश्चन। अब 9th क्वेश्चन बच्चों बड़ा ही आसान है, कह रहा बड़ी द मास परसेंट ऑफ, देखिए परसेंट में ना गैप कर दिया, ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कोई भी परसेंट कहे, अगर मैं ये कहूं आप लोगों के क्लास में 5 लड़के हैं 10 लड़कियां हैं, और आप लड़कों का मास परसेंट बताइए, तो आप क्या करेंगे, ऊपर लड़कों का मास ऐड कर लेंगे, नीचे पूरे क्लास का टोटल मास इनटू 100। अगर मैं कहूं मोल, कौन से मोल परसेंट बताइए, तो काउंटिंग कर लेंगे, ऊपर लड़कों की काउंटिंग नीचे लड़कियों का, इस तरह से कर लेंगे। ये कह रहा है मास परसेंट, और वो भी किसका, CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैसे निकालेंगे हम मास परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड का, ऊपर लिखेंगे कार्बन, कार्बन का मास कितना होता है बच्चों 12, और नीचे क्या करेंगे कार्बन और ऑक्सीजन टोटल का लिखेंगे, माने CO2 का, और इनटू 100। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से क्या होगा जरा देखिए, 4 3 जा और 4 11, तो ये क्या हो जाएगा 300/11। अच्छा अब थोड़ी सी बुद्धि लगाइए, बुद्धि क्या है, ये है 11, अगर ये 99 रहता तो क्या होता 9 टाइम्स, और 9 से इस 3 में मल्टीप्लाई करते तो 27, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा है तो आंसर आएगा 27 से हल्का सा ज्यादा, दैट विल बी, आप समझ रहे हैं ट्रिक, ओके। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, द एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड आर दिस एंड दिस, ओके, तो व्हाट विल बी द मोलिकुलर फॉर्मूला। देखिए दो चीज होता है, आपको पता है इंपीरिकल फॉर्मूला क्या है, इंपीरिकल फॉर्मूला मतलब सिंपलेस्ट फॉर्मूला, और मोलिकुलर फॉर्मूला मतलब एक्चुअल फॉर्मूला। जब भी हम मोलिकुलर फॉर्मूला लिखते हैं और इंपीरिकल फॉर्मूला, एन फैक्टर एक मल्टीप्लाई कर देते हैं इंपीरिकल फॉर्मूला में, एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारा आता है मोलिकुलर, या कभी कभी ये भी कहते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला मास इक्वल टू एन फैक्टर इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला मास, इंपीरिकल फॉर्मूला मास, इंपीरिकल फॉर्मूला मास। अब आइए जरा देखते हैं हम क्या क्या दिया है, आपसे कह रहा है मोलिकुलर फॉर्मूला निकालो, ओके ये निकालना है, पहले आप देखिए ये निकालना है, क्या दिया है, कह रहा है इंपीरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है CH2O, तो अगर CH2O दिया है तो क्या इसका इंपीरिकल फॉर्मूला मास नहीं निकाल सकते, आइए देखते हैं 12 + 2 + 16 कितना आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा 30 आएगा क्या, 30, यस 30 आ गया, चलिए इंपीरिकल फॉर्मूला मास आ गया कितना, ये 30, ओके। अब कह रहा है मोलेकुलर मास दिया है 180, मोलेकुलर मास, मोलेकुलर फॉर्मूला मास 180, तो क्या मैं यहां से एन फैक्टर निकाल लूंगा, हाँ जब ये पता है ये पता है तो एन फैक्टर कितना आएगा 6, अरे 3 6 18, और उसी को यहां रख दीजिए, अब क्या रखेंगे, यहां रखेंगे 6, और इंपीरिकल फॉर्मूला तो दिया है CH2O, तो मैं क्या करूंगा C6H12O6, ये क्या है ग्लूकोज, तो आपका आंसर हो गया C6H12O6C, ठीक है बच्चों। अगर आपको लगता है कि इस तरह का सीरीज आगे चलाते रहना चाहिए तो आप
मोमेंटम एजुकेशन चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, ये बिल्कुल फ्री है आप ही लोगों के लिए। थैंक यू बच्चों।